सिंबल है ब्लूमिंग ऑफ लव का, और यहाँ पर कई सारे ऐसे सिंबल आएंगे जो कि ब्लूमिंग ऑफ लव को डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे स्वेल्ड अप, ये स्वेलिंग अप ऑफ रिवर बैंक भी ब्लूमिंग ऑफ लव को डिनोट करता है, और आगे जो वॉयलेट की इमेजरी दी हुई है वो भी लव के विकास को, एवोल्यूशन को, उसके ब्लूमिंग को डिनोट करता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। द इमेजेस ऑफ पिलो, बेड एंड प्रेग्नेंट रिप्रेजेंट सेक्सुअलिटी इन दिस पोएम। इसमें जो पिलो, बेड और प्रेग्नेंट की जो इमेजरी दी हुई है वो सेक्सुअलिटी को इस पोएम में रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि इसमें फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों लव की बात है, तो यहाँ पर दोनों तरह की इमेजरी हमें देखने को मिलेगी। अ कपल सैट नियर द रिवर बैंक इज रेस्टिंग। द टू लवर्स हैव बीन कंपेयर्ड विद द फ्लावर वॉयलेट बिकॉज द टू लुक ब्यूटिफुल एंड आर सॉफ्टली स्पीकिंग विथ ईच अदर एज द सॉफ्ट बॉडी ऑफ द फ्लावर। द ब्लूमिंग वॉयलेट्स ऑल्सो रिप्रेजेंटेड द ब्लूमिंग लव बिटवीन द टू लवर्स। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो दो प्रेमी हैं, दो लवर्स हैं, वो रिवर बैंक के पास, जिसकी की सतह जो है हाई या रेस्ड लग रही है, वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ रेस्ट कर रहे हैं, रिक्लाइन कर रहे हैं। द टू लवर्स हैव बिन कंपेयर्ड विद द फ्लावर वॉयलेट। उन्हें वॉयलेट से कंपेयर किया गया है, फ्लावर से। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि जो ये वॉयलेट शब्द है वो कई सारी चीज़ों को डिनोट करता है। पहली बात तो वॉयलेट एक सॉफ्टनेस को डिनोट करता है। द टू लुक ब्यूटिफुल एंड आर सॉफ्टली स्पीकिंग विथ ईच अदर लाइक द सॉफ्ट बॉडी ऑफ द फ्लावर। इस वजह से भी उसे वॉयलेट से डिनोट किया गया है। इसके अलावा ब्लूमिंग वॉयलेट्स ऑल्सो रिप्रेजेंट, दे आर ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्लूमिंग लव बिटवीन द टू लवर्स। यानी दो लवर्स के बीच में ये जो प्यार विकसित हो रहा है उसको भी ये ब्लूमिंग वॉयलेट्स डिनोट करते हैं। अब इसकी अगली दो लाइनें हैं। द वॉयलेट्स रिक्लाइनिंग हेड सैट वी टू वन अनदर्स बेस्ट। दे आर रेस्टिंग और रिक्लाइनिंग देयर हेड्स ऑन द रिवर बैंक। जो रिवर बैंक, जिसकी सतह इस प्रकार से रेस्ड लग रही है, जैसे कि किसी तकिया के रखने से एक बेड की सतह रेस्ड लगती है, उसी रिवर बैंक के पर जो है वे अपने हेड्स को रेस्ट कर रहे हैं, उसे लिटा रहे हैं। और क्या है कि यहाँ पर ये लेट करके आराम कर रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। द पोएट विटनेसेस द लवर्स टॉकिंग। दे से दैट दे आर बेस्ट फॉर ईच अदर। यहाँ पर है सैट वी टू। ये पोएट बता रहा है कि दोनों लवर जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं कि हम दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं, वी टू आर सिटिंग हियर, वन अनदर्स बेस्ट, एंड वी आर वन अनदर्स बेस्ट, वी आर बेस्ट फॉर ईच अदर। देर इज़ नो वन एल्स इन दिस वर्ल्ड हु कैन बी अ रिप्लेसमेंट फॉर ईच अदर। सो दे से दैट दे आर बेस्ट फॉर ईच अदर, नो वन एल्स इन दिस एंटायर वर्ल्ड कैन एवर बी डिजायरेबल टू दैम। द पैराडॉक्स इज कॉम्प्लीमेंटेड बाई द जक्स्टपोजिशन ऑफ टू वन क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ द इंटरकनेक्टेडनेस। यहाँ पर टू और वन दोनों शब्दों को एक साथ रखा गया है। वे दो भी हैं और साथ ही एक भी हैं। यहाँ दोनों की इंटरकनेक्टिविटी को दिखाने के लिए, दोनों की जो है आत्माएं हैं वो कितनी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, कितना ज़्यादा दोनों के बीच में प्रेम है, इसको दिखाने के लिए टू एंड वन दोनों शब्दों को एक साथ जक्स्ट पोजिशन में रखा गया है। तो इससे उनके लव और की स्ट्रेंथ को, स्ट्रांगनेस ऑफ लव उनकी डिनोट होती है। आर हैंड्स वर फर्मली सीमेंटेड विद अ फास्ट बाम विच देंस डिड स्प्रिंग। आर हैंड्स, हमारे हाथ, वर फर्मली सीमेंटेड। फर्मली बहुत दृढ़ता से, सीमेंटेड एकजुट होना, सीमेंटेड होना, क्लैस्प्ड होना, बहुत ही स्ट्रांगली ज्वाइंट होना, सिर्फ ज्वाइंट नहीं होना, सीमेंट की तरह, यानी बहुत ही स्ट्रांगली ज्वाइंट होना, विद अ फास्ट बाम। यहाँ पर बाम शब्द बहुत सारे अर्थों को डिनोट कर सकता है, जिनमें से एक दो अर्थ हम खुद समझ सकते हैं यहाँ पर, और इसके अलावा आप भी अपने आप कुछ अर्थ खुद भी समझ सकते हैं, क्योंकि किसी भी एक टेक्स्ट का सीधा साधा या एक वैज्ञानिक एक निश्चित ही अर्थ नहीं होता, आप खुद भी बहुत सारे अर्थ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे अनुसार यहाँ ये अर्थ होगा कि उनके हाथ आपस में इतनी मजबूती से क्लैस्प्ड हैं, विच रिजल्ट्स